दोस्तों नमस्कार। आज देश के हर कमर्शियल ड्राइवर के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर किस नियम के तहत ये ओला उबर प्राइवेट गाड़ी को अटैच कर रही है। ड्राइवर के मन में उठ रहा है ये सवाल कि मैं कमर्शियल गाड़ी चलाता हूँ और एक बहुत ही बड़ा टैक्स देता हूँ साल में सरकार को, तो आखिर ये प्राइवेट गाड़ी को ये दोनों कंपनियां क्यों अटैच कर रही है। हर कैब ड्राइवर सोच रहा है कि आखिर सरकार के किस नियम के तहत ये कंपनियां प्राइवेट कार को अटैच कर रही है। हर ड्राइवर के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा कब से नियम लागू हो गया। ड्राइवर्स बहुत हो रहे हैं परेशान, उनके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, अपने रोजी रोटी और रोजगार से जुड़े ये सवाल उनका बिल्कुल जायज है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों मैं इस वीडियो में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और उन चीजों को आप लोगों को बताऊंगा कि किस नियम के तहत ये ओला उबर प्राइवेट कार को अटैच कर रहे हैं, और अगर ये प्राइवेट कार आज के तारीख में अटैच कर रहे हैं तो ये कानूनी है या गैर कानूनी। क्या इनको सरकार ने कह दिया है कि आप प्राइवेट कार अटैच कीजिए, और अगर सरकार ने कह दिया है तो क्या कोई नोटिफिकेशन आया है। तो आप लोग बेहद परेशान हैं इन सवालों को लेकर के, और मेरा हमेशा मकसद होता है कि आपके ट्रेड से जुड़े हर सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर मैं सारे सवालों को अगर डिटेल में बताना शुरू करूंगा तो ये वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी। तो दोस्तों मेरी मजबूरी है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा और पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर्स जो परेशान हैं, जो इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, वो भी आप ही की तरह परेशान होंगे और उन तक भी ये बातें पहुंचनी चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मेरी जो भी सब्सक्राइबर है, पहले तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि आप लोग जागरूक ड्राइवर्स हैं तभी मेरे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि यहाँ पे होती है आपके मुद्दे की बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों के प्यार मोहब्बत और इज्जत अफजाई के लिए, मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा। सबसे पहली बात कि ये प्राइवेट गाड़ी को कैसे कमर्शियल में चलवाने की बात चल रही है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल में चलवाने की कोई भी मंशा हो सरकार की। सरकार को जो दलीलें और दुहाई दी जाती है वो है सबसे ज्यादा जो अहम रीजन है इन प्राइवेट गाड़ियों को कार पूल और शेयरिंग में चलवाने की दुहाई दी जा रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण फिर से दिया जा रहा है कि इंडिया में गाड़ियों की संख्या बे इंतहा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हर सिटी में बढ़ गई है। हालांकि एक डेटा के मुताबिक जो गाड़ियों से यानी कि कार से पॉल्यूशन होती है या गाड़ियों की पॉल्यूशन है वो सिर्फ 10% उनकी भागीदारी है पॉल्यूशन में, लेकिन इसी पॉल्यूशन का हवाला देकर के अब ये कंपनियां कैब एग्रीगेटर्स खेल रही है खेल। दोस्तों एक डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2017 में 3 मिलियन कार्स बिके, यानी कि पूरे तकरीबन 10% कार के सेल में इजाफा हुआ। क्या इस डेटा, ये जो कार की सेल बढ़ी है, इस डेटा में क्या कोई ये डेटा निकाल सकता है कि पूरे इंडिया में टैक्सी की संख्या कितनी बढ़ी और कितने कमर्शियल गाड़ी बढ़े हैं, और इस कमर्शियल गाड़ी जो बढ़े हैं रोड्स पे इसके जिम्मेवार कौन है? ये कैब एग्रीगेटर्स जो बढ़ गलाने वाले विज्ञापन दे दे के लोगों को कार खरीदवाया, और हर शहर में 80% कार की संख्या अगर बढ़ी होगी तो इनकी वजह से। ये एक अहम मुद्दा है जिसपे कोई बात नहीं करना चाहता, ना ही कहीं इसकी बात होती है। अब सरकार के सामने ये समस्या है कि रोड जो ओवर कंजेस्टेड यानी कि गाड़ी की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि चलने की जगह नहीं बची है रोड पे, तो रोड तो बड़ा करने का गुंजाइश बचा नहीं, यानी कि उसको वाइड तो कर नहीं सकते, तो गाड़ी की संख्या कम करने की बात होती है। उसी की दुहाई देके ये कार पूल और शेयरिंग की ड्यूटी को बढ़ावा देने के लिए कि इससे कार की संख्या कम होगी। एक आंकड़े सरकारी आंकड़े के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस कार शेयरिंग या कार पूल से 50% कार की संख्या कम हो जाएगी अर्बन शहर में, सारे इंडिया में जो मेट्रो सिटीज है मान लीजिए उसमें, और 50% ही तेल की भी बचत होगी। प्राइवेट कार्स को कार पूल या कार शेयरिंग में चलाने की प्रक्रिया इसमें बातचीत 2016 से चल रही थी और अभी भी बातचीत चल रही है।
अब जब गाड़ियों की संख्या रोड पे बे इंतहा बढ़ चुकी है, चाहे वो टैक्सी हो या प्राइवेट गाड़ी हो, तो उसी के तहत अब सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कार शेयरिंग या कार पूल के तहत इस गाड़ी की संख्या रोड पे कम कर हो सकती है, जिसके लिए तरह तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले आऊंगा नंबर वन पॉइंट पे कि प्राइवेट गाड़ियों के द्वारा कार पूल या कार शेयरिंग आज के MBI एक्ट 1988 के तहत ये कानूनी है या गैर कानूनी। दोस्तों, MBI एक्ट 1988 के तहत प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी में चलाना या कमर्शियल यूज करना गैर कानूनी है। सेक्शन 66 में ये कहा गया है। अब जबकि प्राइवेट गाड़ी को कार पूलिंग में चलाने की बात चल रही है कि कार पूलिंग उससे कर सकते हैं आप, तो इसके लिए इस MBI एक्ट में बदलाव की जरूरत है। और जो MBI एक्ट ये 2017 जो अमेंडमेंट बिल आ रहा था, उसमें परमिट के नियम को लिबरलाइज यानी कि थोड़ा सा सुगम और सरल बनाने की कोशिश की गई, जिसके तहत ये प्राइवेट कार से कार पूलिंग या कार शेयरिंग की ड्यूटी या उससे लोग कर सके। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि आज के डेट में जो MBI एक्ट 1988 हमारा लागू है, क्योंकि जो अमेंडमेंट बिल आया है वो अभी पास नहीं हुआ है, तो उसके तहत अभी ये बिल्कुल गैर कानूनी है। अभी कोई कानून ऐसा नहीं आया जिसके तहत ये कंपनियां प्राइवेट गाड़ी को बुला के अटैच कर रही है कारपूल और कार शेयरिंग के लिए। तो क्या कानून आने से पहले ये ओला उबर खुद ही कानून बन जाती है, या इनको इतनी छूट है कि आप कुछ भी कर लो कानून आपके हिसाब से बन जाएगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है सोचने वाला। मैंने जो ये 1988 MBI एक्ट का हवाला दिया था, इसके ऊपर RTI के द्वारा RTI में सवाल पूछा गया था, जिसके ऊपर जवाब ऑलरेडी आया हुआ है कि इस एक्ट के अंदर में आप प्राइवेट गाड़ी का कमर्शियल यूज नहीं कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने। दोस्तों, एक डेटा के मुताबिक अपना भारत देश कुछ उन देशों में आता है जो पॉल्यूशन से वर्स्ट इफेक्टेड है, जिसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, जिसकी एक वजह बताई गई है कि अनकंट्रोल्ड यानी कि गाड़ियों की बेइंतहा संख्या होना। एक सवाल फिर यहाँ पे उठता है कि ये गाड़ियों की संख्या जो पिछले 4-5 सालों में बढ़ी है, इसके जिम्मेवार कौन है? ऑफकोर्स ये कैब एग्रीगेटर्स, अगेन दोबारा ये कैब एग्रीगेटर्स ही जिम्मेवार है, जो बड़गलाने वाले विज्ञापन दे दे के लोगों को गाड़ियां खरीदवा दी, लोगों ने अच्छा खासा नौकरी छोड़ के गाड़ी खरीदा और आज भूखे मर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि कार की संख्या बढ़ाने में इन कैब एग्रीगेटर्स का सबसे बड़ा हाथ है, और उसी कार की संख्या को आज सरकार नियंत्रण में लाने की बात कर रही है, रोड पे कार कम करने की बात कर रही है। यानी कि फिर से वही बात कि बीमारी भी यही लाए और दवाई भी यही बेचेंगे, और सबसे अहम बात सरकार भी इनकी दवाई को खरीद रही है। और ऑफ कोर्स मैं पढ़ रहा था कि ओला उबर बहुत ही खुशियां मना रहे हैं इसके ऊपर में। मैं सरकार से 3 ही गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ 3। वो 3 कर दे फिर ये ऐप बेस्ड कंपनियां कितनी खुशियां मनाती है ये हम भी देखते हैं और सब देखेंगे। इनका ऐप का डेटा सरकार के कब्जे में हो, क्योंकि बहुत बड़े जनसंख्या पूरे भारत के लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, उनके ऐप का हर रोज का डेटा पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में हो और सरकार के सिस्टम में वो लाइव चलना चाहिए, और उससे कोई छेड़छाड़ या टेम्पर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ना कर सके। दूसरी चीज, अगर ये शेयर और कार की पूल की ड्यूटी से पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, देश का और शहर का भला होता है, और इसे सरकार स्पेशल ड्यूटी मानती है, ड्राइवर्स को जो शेयर ड्यूटी करते हैं 4 सवारी उठाते हैं उनका पूरा पैसा उनको मिलना चाहिए, वो भी स्पेशल ड्यूटी कंडीशन के तहत, ना कि ये कंपनियां 900 रुपए खुद ले ले और 400 रुपए ड्राइवर को पकड़ा देती है एक ट्रिप में, तो ये 500-700% का प्रॉफिट कंपनी का नहीं चलेगा। और तीसरी और सबसे अहम चीज, जो सरकार एक न्यूनतम किराया फिक्स कर रखा है, वो न्यूनतम किराया ड्राइवरों को मिलना चाहिए। ये 3 चीजें सरकार खाली एश्योर कर दे, यानी कि ड्राइवर को आश्वासन दे दे, फिर जो भी करना है करे। ये 3 चीजें लागू करने के बाद कितने ये कैब एग्रीगेटर्स खुशियां मनाते हैं फिर देखते हैं। ये बहुत ही एक अहम चीज है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन 3 चीजों पर जरूर गौर करें।
2017 में सरकार ने कारपूल के ऊपर एक नया ड्राफ्ट तैयार किया जिसका नाम दिया गया पीसीएमसी पैन सिटी मेगा कारपूल। जो ये एग्रीगेटर्स अभी गैर कानूनी तौर पे जो शेयर की ड्यूटी कर रहे हैं, जो कानूनन गलत है उसको, वो है माइक्रो कारपूल। और माइक्रो कारपूल के ऊपर ऑलरेडी सरकार का लिखित ये बयान है कि ये सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है सवारी के लिए, क्योंकि एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो उसमें शेयर करते हैं कारपूल, कुछ भी होता है तो कोई जिम्मेवार नहीं है। इसके ऊपर ड्राफ्ट है, ये रहा वो। तो सरकार ने ये पीसीएमसी नाम की कारपूलिंग पे ड्राफ्ट तैयार की है जिसके अंदर में उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, जो चीजें हैं वो गलत नहीं है। अच्छी चीजें ये है कि वो प्राइवेट गाड़ी, अगर मान लीजिए मैं रोहिणी में रहता हूं, तो अगर मेरे साथ के जो ऑफिस जाते हैं उस एरिया से, मान लीजिए वो सीपी में जॉब करते हैं वहां के 5 लोग, तो मैं उनके साथ कार शेयर कर सकता हूँ, कार पूलिंग कर सकता हूँ। एक हफ्ते में एक दिन मैं ले जाऊंगा, ऐसे ही करके वो 5 आदमी एक एक दिन करके कार ले जाएंगे। तो ड्राफ्ट में कुछ ऐसा है, लेकिन ये कंपनियां घुमा फिरा के एग्रीगेटर्स उसको कैसे फायदा उठाना चाहती है, ये समझने वाली बात है। 188 मोटर व्हीकल एक्ट बहुत ही साफ तौर पे ये कह रही है कि कोई भी प्राइवेट गाड़ी का ओनर, उसको ये अलाउड नहीं है कि उस कार को, प्राइवेट गाड़ी को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पे चलाए और उससे प्रॉफिट कमाए। तो फिर ये कंपनियां जो बुला बुला के प्राइवेट कार को अटैच कर रही है, बिल्कुल ही गैर कानूनी है। सरकार का मकसद है रोड पे गाड़ी कम करना, पॉल्यूशन कम करना, जो गाड़ियों से पॉल्यूशन होती है, जिसके तहत उन्होंने कार पूल या कार शेयरिंग के लिए प्राइवेट गाड़ी को अलाउड करने की बात करी है। लेकिन ये कैब एग्रीगेटर्स इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक बात है। पता नहीं सरकार को शायद पता है या नहीं है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि प्राइवेट कार अटैचमेंट के नाम पे, जहां पे गाड़ी कम करने की वजह से प्राइवेट कार में कार शेयरिंग या कार पूलिंग अलाउ करने की बात चल रही है अभी, वहीं पे ये कंपनियां अभी से एड आना शुरू कर दिया, अभी से प्रचार करना शुरू कर दिया कि 25-30 हजार रुपए कमाइए सिर्फ आपके पास एक प्राइवेट कार होना चाहिए, तो इससे क्या कार कम होगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग कार खरीदेंगे, सोचेंगे चलो 25-30 हजार रुपए तो कमाएंगे ही, तो कार की बिक्री तो और बढ़ेगी। उसका उदाहरण ये रहा आपके सामने, कैसे न्यूज बना के दिया जाता है कि आप अगर 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक प्राइवेट कार होना चाहिए, तो क्या कार की संख्या उससे कम होगी? यानी कि सरकार जिस मकसद से इसको करने जा रही है या करने की कोशिश कर रही है, क्या वो मकसद सफल हो पाएगा? और उस चीज को ये कैब कंपनियां कैसे इस्तेमाल करेगी बाजार में और कर रही है, ये सरकार को जरूर समझना पड़ेगा, नहीं तो पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बर्बादी के कागार पे पहुंच जाएगी। और जैसा कि बहुत सारे देश में जो वहां के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि कैब एग्रीगेटर्स ने आकर के उन देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। पीछे न्यूयॉर्क में 7 दिन में 3 कैब ड्राइवर ने आत्महत्या करी सिर्फ फाइनेंशियल यानी कि पैसों की तंगी की वजह से, जो 20-20 साल से गाड़ी चला रहे थे। इन चीजों को इन कैब एग्रीगेटर्स के हाथों में क्यों देना चाहती है मेरी सरकार, जो क्यों इन कंपनी को एक मोनोपोली हो रहा है पूरे मार्केट में? और आज के डेट में हाल ये है, जबकि ये कंपनियां लीगलाइज नहीं है अभी, फिर भी ये हाल है कि ड्राइवर्स आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, बाजार को इन्होंने कब्जे में कर रखा है और हर ड्राइवर्स गुलामी करने पे मजबूर है। इनकी मर्जी है, ये कभी किसी ड्राइवर्स के साथ कुछ भी करते हैं, मजबूर है वो कैब ड्राइवर की से कार पूलिंग करनी है, इससे गाड़ियां कम होती है, बहुत अच्छी बात है। तो सरकार को अपना ऐप इस पे लाना चाहिए। सरकार की दिल्ली की ही बात करूं तो खुद उनकी पूछो ऐप है, लेकिन वो एक कूड़ेदान में पड़ा हुआ है, अपने ऐप के थ्रू करना चाहिए। नहीं तो ये कैब एग्रीगेटर्स ऑलरेडी मोनोपोली यानी कि इनका एक छत्र राज हो चुका है, जिससे बहुत ही कुप्रभाव इस बाजार में पड़ा है। सरकार को अपने ऐप के थ्रू ये करना चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे सारे के सारे कैब ड्राइवर्स। अभी जैसे कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2017, जिसके अंदर में बड़ी खूबसूरती से एग्रीगेटर्स को एक जगह दी गई है और उनके लिए एक दरवाजा खोला जा रहा है, आज ये कैब एग्रीगेटर्स, कल बस एग्रीगेटर, परसों लोडिंग वाले एग्रीगेटर आ जाएंगे,
बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी मार्केट में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ी बात है, सरकार किसी भी चीज के ऊपर में अपना जो उनका न्यूनतम सरकारी रेट है वो उनको लागू करना चाहिए। कैग की ही बात करूं तो 14 रुपए और 16 रुपए जो उनका न्यूनतम सरकारी रेट है एसी और नॉन एसी का, क्यों उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है? क्यों 6 रुपए किलोमीटर पे गाड़ी चलवा रही है? ऑटो का रेट अगर 8 रुपए है तो कैब 6 रुपए पे चल रही है, तो फिर इससे ऑटो वाले पे असर नहीं पड़ रहा क्या? काली पीली वाले पे असर नहीं कर रहा? और ऐसे ही कल को बस एग्रीगेटर आ जाएंगे, कल को ट्रक एग्रीगेटर आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, जो मार्केट में कॉम्पिटिशन या प्रतिस्पर्धा होना चाहिए ये सर्विस के ऊपर होना चाहिए कि चलो अगर मैं कस्टमर हूं किसकी सर्विस अच्छी है, मैं किसको यूज करूंगा। लेकिन आप अगर रेट में इतना गैप कर देंगे जो कि कैब ड्राइवर के लिए मुमकिन ही नहीं है उस रेट पे चलना, तो फिर मार्केट का क्या हाल होगा? तो दोस्तों ओवरऑल कुल मिला के जो ये चल रही है प्राइवेट गाड़ी कार पूल और कार शेयरिंग में चलने की बात, इसके लिए सरकार को अपने ही ऐप पे इसको चलाना चाहिए, सरकार अपनी ऐप पे इसे चलाए। जो एक न्यूनतम गवर्नमेंट रेट है वो बिल्कुल ही लागू होना चाहिए सबके लिए, चाहे किसी भी चीज का रेट हो। लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है कि वो ओला उबर को ही ये भी चीज देना चाहते हैं कि प्राइवेट गाड़ी आप ही अपने प्लेटफॉर्म पे चलाइए। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, अगर वीडियो इस पे मैं बनाता रहूंगा तो कम से कम 4 घंटे की बातें हैं। तो दोस्तों ये मुख्य बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपके कोई भी सवाल हो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। शुक्रिया दोस्तों, सुरक्षित चलें, सावधानी से चलें, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं आपका इंतजार। थैंक यू दोस्तों।